Hello everyone, today we are going to start laws of exponents. First law is a by b to the power m into a by b to the power n equal to a by b to the power m plus n. यहाँ पे a by b रैशनल नंबर है और m एंड n कोई पॉजिटिव इंटीजर है. और यहाँ पे क्या a by b, यहाँ पे भी a by b है और इस नंबर पे भी a by b है, यानी सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है. लेकिन पावर क्या है, पावर डिफरेंट है. यहाँ पावर m है तो यहाँ पावर n है. तो अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे और बेस अगर सेम रहे, ये हमारा बेस हो गया. तो अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लिकेशन में रहे और पावर डिफरेंट रहे तो पावर क्या कहते हैं, ऐड हो जाते हैं. हम दोनों बेस के बदला एक बेस लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. जैसे 1/2 टू द पावर 3 इंटू 1 टू द पावर 1/2 टू द पावर 2. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 3 प्लस 2, यानी कि 1/2 द पावर 5, ये होगा. नेक्स्ट है इफ m ग्रेटर देन n. अगर m जो है वो ग्रेटर देन n हो, देन a by b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a by b टू द पावर n इक्वल टू ए बाई बी टू द पावर एम माइनस एन. यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है. और लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है. अब यहाँ पे पावर जो होगा, एम जो होगा वो क्या होगा, एन से बड़ा होगा. तो क्या होगा यहाँ पे, इसका रिजल्ट क्या देगा, ए बाई बी हम दोनों के बदले, दोनों रेशनल नंबर के बदले एक रेशनल नंबर लिखेंगे अगर सेम होगा तो. और क्या करेंगे, पावर जो होगा उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. यानी m में से क्या करेंगे, n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर इन केस m बड़ा हुआ तो. नेक्स्ट है मेरा इफ m लेस देन n. अगर m n से छोटा होगा तो. यहाँ पे क्या था, m बड़ा होगा तो, और यहाँ पे क्या है, m अगर स्मॉलर देन n हो तो. देन a बाई बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी टू द पावर n. तो क्या होगा, डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड था. लेकिन यहाँ पे क्या है, एम जो है वो स्मॉल है और यहाँ पे जो है एन जो है वो कैपिटल है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी टू द पावर एम, ए बाई बी टू द पावर एम. डिवाइड का साइन ऐसे हम लोग डिवाइड का साइन, डिवीज़न का साइन देते हैं. तो ए बाई बी टू द पावर एन ये हम लोग ली दिए. अब एन जो है वो स्मॉल है, तो स्मॉल नंबर को हम हमेशा क्या करते, कैपिटल से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करते. तो यहाँ पे कैपिटल कौन है, एन है. अब पावर जो m अगर पॉजिटिव है तो हम लोग कोई भी नंबर को, जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या लिखते थे, 1/2, और इसका 2 टू द पावर माइनस 1 थे, इसको भी क्या लिखते थे, 1/2. वैसे ही यहाँ पे अगर हम ये नंबर को अगर हम नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो m है पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. यानी कि 1/a/b टू द पावर n माइनस m. दस तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, इफ़ a बाई बी टू द पावर m डिवाइड बाई a बाई बी टू द पावर n होगा तो क्या लिखेंगे, 1/a टू द पावर b, a बाई बी टू द पावर n माइनस m. n में से सब्ट्रैक्ट कर, लेकिन यहाँ पे किस में आ जाएगा, 1/1 a बाई बी टू द पावर n माइनस n. फोर नंबर a बाई बी टू द पावर m, यहाँ पावर का भी पावर क्या है, n है. यानी दोनों पावर में है, यानी पावर यहाँ पे इस केस में क्या होगा, पावर जो होगा वो मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा. यानी a बाई बी टू द पावर क्या हो जाएगा, m इंटू एन. यानी कोई भी नंबर जैसे 2/3 है, 2/3 का पावर 2, इसका भी पावर अगर 3 रहे तो क्या लिखेंगे, 2/3 टू द पावर 2 इंटू 3. यानी कि 2/3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6. पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 5 a बाई बी टू द पावर माइनस एन, यहाँ पे जो पावर जो है वो नेगेटिव में, यहाँ देख रहे हैं पावर जो है नेगेटिव में है. तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर नेगेटिव में है तो इसको लिख सकते हैं 1/a/b टू द पावर n. नेगेटिव में रहता है तो हम इसे नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में. इक्वल टू क्या होगा, हम जैसे इसको सेपरेट सेपरेट करते थे तो यहाँ पे a का पावर भी n लिख सकते हैं और b का पावर भी n लिख सकते हैं. यानी 1/a टू द पावर n और b टू द पावर n. अब यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, जैसे 1/a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1/b टू द पावर n. अब ये मल्टीप्लाई कर लेगा, अगर हम इसे डिवाइड में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा. यानी 1b टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर 1. यहाँ पे वही की, यहाँ पे क्या हो गया, b टू द पावर n ऊपर आ गया और नीचे क्या है, a टू द पावर n जो डिवाइड कर रहा था.
अब ये दोनों होल का पावर क्या हो जाएगा, b बाई ए का पावर n लिखेंगे, यानी 10 क्या रिजल्ट निकल रहा है मेरा, a बाई बी की पावर माइनस n हो, अगर कोई पावर जो है नेगेटिव में हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 10 रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी कि b टू द पावर b बाई ए टू द पावर n, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर में लिख दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखे और पावर जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। 6 a बाई बी टू द पावर 0, यानी कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट कितना देगा, उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 7 a बाई बी टू द पावर माइनस 1, अगर कोई भी रैशनल नंबर हो उसका पावर अगर माइनस 1 हो तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी b बाई ए, जैसे यहाँ पे 2 बाई 5 का पावर माइनस 1 हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 बाई 2, ये हो गया रेसिप्रोकल।